दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुन के आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आखिर कैसे महादेव ने स्वयं अपने भक्त को एक बहुत बड़ी अनहोनी से बचा लिया। दोस्तों, ये कहानी सुन के शायद ही कोई ऐसा होगा जो महादेव की शक्तियों पर यकीन न करे। ये कहानी सुन के हमें भी यकीन हो गया कि हम सभी के माता पिता स्वयं महादेव ही हैं। वो अपने भक्त की जिस तरह रक्षा करते हैं शायद ही कोई कर पाए। ये कहानी हमको सुनाई है कावेरी ने। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घटना कावेरी के साथ कुछ साल पहले नहीं बल्कि इसी साल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हुई है। जब पूरी दुनिया मग्न थी महाशिवरात्रि की तैयारियों में, तब कावेरी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही महाशिवरात्रि का पावन पर्व था। 11 मार्च को सभी महाशिवरात्रि की तैयारियां कर रहे थे। कावेरी भी इस बार अपना महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा विधि विधान से करना चाहती थी। कावेरी ने ठान लिया था कि इस बार महाशिवरात्रि पे वो चारों प्रहर में पंचामृत से शिवलिंग का जल अभिषेक करेगी। इस कारण उसने पूरी रात ना सोने का फैसला किया। कावेरी ने सोचा कि वह पूरी रात मंदिर में बैठ के महादेव की आराधना करेगी और पूरी रात कब निकल जाएगी उसको पता भी नहीं चलेगी। कावेरी अपनी रुद्राक्ष की माला लेके महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शाम 6 बजे से ध्यान में बैठ गई। कावेरी ने पहली पहर के शिवलिंग पर दूध, घी, शहद, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। सभी श्रद्धालु संग कावेरी बहुत खुश थी। आखिर महादेव और माता पार्वती की आज शादी जो थी। कावेरी के मन में महादेव और माँ पार्वती के विवाह के लिए इतनी उत्सुकता थी कि मानो बारात में सबसे आगे वही खड़ी हो। जैसे जैसे समय निकलता गया, श्रद्धालु की भीड़ कम होती गई और कावेरी शांत मन से महादेव और माता पार्वती की आराधना में लीन हो गई। कावेरी बताती है कि उन्होंने दूसरे और तीसरे पहर पर शिवलिंग पर विधि विधान अनुसार पंचामृत से जलाभिषेक किया और ये करके वो वापस ध्यान में बैठ जाती है। आखिरी पहर के लिए कावेरी सुबह के 5 बजे ध्यान से उठ गई और शिवलिंग पर जल अभिषेक चढ़ाने लगी। जब कावेरी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी और शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ा रही थी कि तब उसने देखा कि मंदिर में कोई नहीं था। पंडित जी भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने सोचा कि शायद वो अपने दिनचर्या के लिए तैयार हो रहे होंगे। वो अपना काम करती गई। कुछ ही क्षणों में उसको जलने की बदबू आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके ठीक पीछे एक स्विच बोर्ड से आग की लपटें निकल रही थी। कावेरी आग को देखकर घबरा गई। जितनी देर में वो अपने आप को संभाल पाती उतनी देर में आग की लपटें बड़ी होती गई। कावेरी और डर गई। उसको ऐसा लगा मानो आज वो जिंदा नहीं बचेगी। उसने शिवलिंग की तरफ देखा और बोली, महादेव, मेरी भक्ति में कहां कमी रह गई जो आप आज मेरे को ये सजा दे रहे हो। कावेरी ने मंदिर का दरवाजा खोलना चाहा तो उसके हाथ जल गए। वो दरवाजा लोहे का था और आग की वजह से बहुत गर्म हो चुका था। कावेरी रोती गई, चिल्लाती गई, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आग के धुएं के कारण कावेरी बेहोश हो गई। वो कब गिर गई उसे पता ही नहीं चला। उसके जुमा पर आखिरी नाम महादेव का ही था। कावेरी बताती है कि उनको अपने हाथों पर कुछ गीला और नुकीला महसूस हुआ। धीरे धीरे उनकी आंखें खुलने लगी। उन्होंने देखा कि एक काला कुत्ता उनके हाथ को मुंह से पकड़कर उन्हें मंदिर के बाहर खींच रहा है। उस काले कुत्ते ने आखिर में कावेरी का हाथ खींच के उसे मंदिर से बाहर निकाल लिया। दोस्तों, कावेरी जब मंदिर के बाहर आई तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने देखा कि पंडित जी मंदिर के बाहर ही खड़े थे। वो दौड़ते हुए कावेरी के पास आए और उसको संभालने लगे। कावेरी बताती है कि पंडित जी ने उससे बोला, जब आग लगी तब मैं तुम्हें आवाज देता गया पर कोई जवाब नहीं आया तो मुझे लगा कि तुम पहले ही बाहर आ चुकी हो। कावेरी ने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी। मुझे बाहर लाने वाला ये काला कुत्ता था। जब दोनों ने पीछे मुड़ के कुत्ते की तरफ देखा तो वहां मात्र एक रुद्राक्ष की माला पड़ी थी जो कावेरी की ही थी। कावेरी हैरान और परेशान हो गई। वो पंडित जी से बोली, पंडित जी, आपने भी देखा था ना उस काले कुत्ते को। तो पंडित जी रो पड़े और बोले, कावेरी, तुम्हारी भक्ति देखकर महादेव खुद काले कुत्ते के रूप में तुम्हें इस खौफनाक घटना से बचाने आए थे, तभी वो हमको अब दिखाई नहीं दे रहे। उसकी जगह ये सिर्फ रुद्राक्ष की माला है।
स्वयं महादेव का ये संकेत है कि तुमको बचाने वाले वही थे। ये सुन के कावेरी भी रो पड़ी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि महादेव ने खुद उसे मौत के मुंह से निकाला। वो अपने आप को बहुत खुश नसीब मान रही थी और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव ने उसको दर्शन ही नहीं बल्कि उसकी जान बचाई। दोस्तों, आशा है आपको ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।